नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में कांग्रेसी आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 18 वर्ष लंबे शासनकाल में आदिवासियों पर 30,000 से भी अधिक अत्याचार के मामले दर्ज किए गए, जो कि प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान आदिवासी हितेश सरकार बताते हैं और आदिवासियों के हित में प्रदेश सरकार काम कर रही है, वह सरासर गलत है। आदिवासियों के लिए आज आदिवासियों के लिए प्रदेश में कई मामलों में परेशान किया जा रहा है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में पानी की जबरदस्त समस्या है, आदिवासी भाइयों के लिए शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार की कमी है, मनरेगा में जो पैसा अटका हुआ है वह आदिवासी भाइयों के लिए मिल नहीं रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है, मगर अगर धरातल की बात करें तो आदिवासी परिवारों के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ ढिंढोरा पीटने के अलावा। बीजेपी और आरएस का कहना है कि हम आदिवासी वनवासी होते हैं, मतलब जंगलों में रहने वाले, पर हम कहते हैं आदिवासी होते हैं, हम वो आदिवासी हैं जो इस धरती के मूल निवासी हैं। और यही लड़ाई काफी लंबे समय से चलती आ रही है, पर ये बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा को उजागर करते हैं। सेंट्रल ट्राइबल फंड का एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूं। ये बोलते हैं कि आदिवासियों के बहुत हितेशी हैं, और क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो ये आंकड़ा आपके सामने रखने का बहुत ज्यादा औचित्य धंधा है। सेंट्रल ट्राइबल फंड मतलब जो केंद्र सरकार से हमारे पास फंड आता है, पहले वो फंड हमें केंद्र सरकार देती थी, मध्य प्रदेश को देती थी 4,140 करोड़ रुपए, मतलब 4,140 करोड़ रुपए पहले आते थे, और आज वो आंकड़ा घटाकर बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया है सिर्फ 1,718 करोड़। जबरदस्त फर्क अंतर है, मतलब 60% से ज्यादा, 60 से 70% से कटौती इन्होंने सेंट्रल ट्राइबल फंड की मध्य प्रदेश में कही है। और यही कारण है कि इतनी योजनाएं की ये बोलबाला कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुपोषण सबसे बड़ी चुनौती हमारे आदिवासियों के लिए, सबसे ज्यादा कुपोषण तो मध्य प्रदेश में है ही, पर सबसे ज्यादा कुपोषित 80% से ज्यादा कुपोषित आदिवासी हैं। ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा हमारे पास आता है, जिसका काम होता है कि पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में खर्च करा जाए, पर हकीकत यह है कि ये पैसा खर्च हो रहा है मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में, ये पैसा खर्च हो रहा है जो भी मोदी जी की सभा होगी उसमें आने जाने का जो भी खर्चा होता है, क्योंकि जब भोपाल में मोदी जी की सभा हुई थी पिछली वाली, उसमें 13 करोड़ रुपए बकायदा ट्राइबल सब प्लान के पैसे से निकाल लिए गए थे, सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट वालों को पैसे देने के लिए, और ये पेपर पर है। मनरेगा का क्या होगा? सबसे बड़ा अगर जीवनदायिनी आदिवासियों के लिए थी तो मनरेगा थी, जो रोजगार की गारंटी थी, पर रोजगार की गारंटी जैसे ही इन्होंने खत्म करी, कई नहरों का पैसा अटका पड़ा हुआ है, कोई मनरेगा में काम नहीं हो, उसके कारण पलायन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले एक 4 साल की बच्ची जो पलायन पर अपने माता पिता के साथ गई थी, उनके साथ वहां बलात्कार हो गया, 6 साल की बच्ची थी। और बीजेपी शासित राज्य में क्यों ऐसा होता है और उन पर कार्रवाई नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और हकीकत है कि जेलों में, जो मध्य प्रदेश में जेलों में बंद जितने भी लोग हैं, उसमें 60% से ज्यादा हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम करा, इसलिए क्योंकि उनको न्याय के उनको तरीके नहीं आते, कहां जाना है उनको सुविधाएं मुहैया नहीं होती, और वो जमीन पर पूरी तरह से बहुत ज्यादा शोषित है। इसके लिए कुछ भी आज तक बीजेपी की सरकार ने नहीं करा। और आखिरी में एक बहुत बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए विदेश यात्रा के बाद, उनको भोपाल नहीं आना था, उनको मणिपुर जाना था, जहां आदिवासियों के साथ जबरदस्त नरसंहार हो रहा है, हजारों आदिवासियों का कत्लेआम मणिपुर में हो रहा है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? भोपाल में चुनावी सभा लेने के लिए उनके पास समय था, पर मणिपुर में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के आंसू पोंछने का उनके पास समय नहीं था। तो मैं ये शिवराज जी से ये सवाल जो मैंने करे उसके मैं चाहूंगा कि वो उसका जवाब दें।
समाज के कई संगठन हो सकते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।